ये देखिए गाइस कितने पतले और अच्छे पापड़ तैयार हुए हैं, और इन्हें फ्राई करने के बाद ये 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं साइज में, और ये चावल के पापड़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपको चावल के बहुत ही आसान तरीके के पापड़ बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, मैंने यहाँ पे 1 कप चावल ले लिया है, इसे मैं रात भर के लिए भिगो दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे तक इसे भिगो दें, ये अच्छे से भीगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, चावल को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था, अच्छे से चावल भीग गए हैं। देखिए, इस तरह से हाथों में लेकर मैं इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे मसलूंगी तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो बहुत अच्छे से चावल भीग गए हैं। तो यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगी, अगर चावल आपके अच्छे से भीगेंगे नहीं तो अच्छे से पीस नहीं पाएंगे, और अच्छे से नहीं पीस पाएंगे तो पापड़ फट जाएंगे। तो यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं। अब मैं चावल का ये पानी हटा दूंगी और सारे चावल को एक मिक्सिंग जार में शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए, सारे चावल को मैंने एक मिक्सिंग जार में डाल दिया है, इसमें मैं पानी ऐड करूंगी इसे पीसने के लिए। तो यहाँ पे पानी की मेजरमेंट कुछ ऐसी है कि जब तक चावल डूब ना जाए आप इसमें पानी ऐड करें। तो चावल के डूबने तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आगे पानी नहीं ऐड करेंगे, यही है इसकी मेजरमेंट। तो इसमें पानी ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से पीस लेंगे मिक्सी में। तो देखिए, चावल को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चावल को बहुत ही ज़्यादा बारीक पीस लेना है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसे। यहाँ पे अंगूठे और उंगली की मदद से मैं इसे चेक कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है ये चावल। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दानेदार सा ये लगे तो थोड़ा सा और पीस लें इसे। तो चावल अच्छे से पिस चुका है और इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया था, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये बैटर तैयार हो चुका है। तो इसे एक बाउल में मैं निकाल लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी पापड़ बनाने के लिए। अगर फिर भी आपका थोड़ा सा बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा सा पतला कर लें पानी मिला करके, बट मैंने जो पहले आपको पानी की मेजरमेंट बताई थी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से ये जो घोल है हमारा तैयार हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून में नमक ऐड कर दूँगी, साथ ही ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा। तो इतनी चीज़ें काफ़ी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसे तीखा और चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस पे मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था जो कि अब उबल चुका है। तो जब पानी में उबाल आ जाए तभी हम पापड़ बनाएंगे, हम यहाँ पर पापड़ को स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक प्लेट, प्लेट को मैं उल्टा कर दूंगी और बैक साइड में हम बैटर थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह से उठा के किसी भी चम्मच की हेल्प से आप इसके पीछे में बैटर डाल दें। मैंने प्लेट में बिल्कुल भी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, और बिल्कुल इस तरह से फैलने देंगे, ये खुद ब खुद ही फैल जाएगा इस तरह से। जब घुमाएँगे प्लेट को तो ये बिल्कुल राउंड शेप में फैल जाएगा। तो जब आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी होगी बिल्कुल परफेक्ट, तभी इस तरह से पापड़ आसानी से फैल जाएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अगर पतला हुआ तो ये फैल कर गिर जाएगा प्लेट से, या फिर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो बिल्कुल फैलेगा नहीं। तो जब हम प्लेट में बैटर को अच्छे से फैला लेंगे तब यहाँ पे जो हमने पतील में पानी लिया है उसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके ढक देंगे, और जब इसे हम ढक देंगे तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को बहुत ही सावधानी के साथ हटाएंगे, और आप देख सकते हैं पापड़ बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो देखिए, पापड़ हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, इस टाइम पे हम किसी भी छोटे चम्मच या चाकू की हेल्प से इसे निकालेंगे इसमें से। तो सबसे पहले साइड्स छुड़ा लेंगे तो ये बहुत ईजिली से निकल जाएगा इसमें से।
बहुत ईजली से निकल जाता है, ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इसके साइड्स थोड़े से छुड़ाने के बाद इस तरह से खींच लेंगे तो बहुत ईजली ये निकल जाएगा, और प्लेट भी हमारी गंदी नहीं हुई है तो दोबारा से हम इसमें फटाफट से पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से पापड़ हमने निकाल लिया है, बहुत आसान है इसे बनाना। अब हम इसे सूखने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक को मैंने बिछा लिया है जिसमें मैं सुखाने वाली हूँ पापड़, उसमें मैं डालती जाऊँगी पापड़। तो इसी तरह से बाकी के सभी बना लेंगे। उबलते हुए पानी में हम इस तरह से प्लेट में फैला कर बैटर को इस तरह से उल्टा कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम स्टीम कर लेंगे इसे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो हम इसे निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके किनारे छुड़ा लेंगे किसी चम्मच या नाइफ की हेल्प से और इसे खींच लेंगे धीरे से, तो ये बहुत ईजली से इसमें से निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप 2-3 प्लेट ले लें, एक जब स्टीम हो जाए तो दूसरी उसमें डाल दें, जब तक ये इसमें से आप इसे निकालते हो तब तक उसमें कब स्टीम हो जाएगा। इस तरह से आप लगातार एक के बाद एक प्लेट रख कर स्टीम करते जाएं पापड़, बहुत ईजली तरीका है। तो ये देखिए इसके किनारे छुड़ा लिए मैंने और इस तरह से खींच लिया तो बहुत ईजली से निकल गया, प्लेट बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। और जिसमें भी आपको पापड़ सुखाने हैं उसमें डाल देंगे इस तरह से पापड़। इसी तरह से मैं सभी पापड़ बना लूँगी। तो मैंने सभी पापड़ बना लिए हैं, कुछ कुछ तो अभी से सूखने लगे हैं, मैं इन्हें पंखे के नीचे सुखाने वाली हूँ। आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं, ये पंखे में भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। इन्हें आप पंखे के नीचे 2 दिनों तक सुखाएं, और अगर आप इन्हें धूप में सुखाएंगे तो ये 1 दिन में ही अच्छे से सूख जाएंगे। जब ये सूखने लगेंगे तो साइड्स इस तरह से छोड़ने लगेंगे, जब इस तरह से ये सूखने लगे एक साइड से तो आप इन्हें बीच में पलट दें और दूसरे साइड से भी अच्छे से सुखा लें। तो ये देखिए 2 दिनों तक मैंने इन पापड़ों को पंखे के नीचे ही सुखा लिया है और बहुत अच्छे से सूख गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे पापड़ तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे। तो अब मैं इन्हें आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है पापड़ को तलने के लिए। तेल हमारा अच्छा तेज गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मेरे हाथ में पापड़ है, पापड़ का साइज आप देख लें कितना है इस टाइम पे, और तलने के बाद ये कितना बड़ा हो जाएगा ये भी देख लें। अब मैं पापड़ को तेल में डाल दूंगी। तो देखिए तेल में जाते ही पापड़ 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है और बहुत ही अच्छा पापड़ तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी पापड़ तैयार होते हैं इस तरह से बनाने से, और बहुत आसान तरीका है। घर में भी आप आसानी से पापड़ सुखा लें। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। एक और पापड़ मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका साइज़ और तेल में जाने के बाद देखेंगे। ये देखिए मैंने इसे तेल में डाल दिया है और कितना बड़ा हो गया है साइज़ में, आप देख सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे पापड़ तैयार होते हैं इस तरह से बनाने से। और आप इन पापड़ों को 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट डब्बे में। ये देखिए कितने अच्छे पापड़ तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज का ये पापड़ बनाने का आसान तरीका आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इस तरीके से आप पापड़ घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आज की ये पापड़ बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। और इस तरह से पापड़ को फ्राई करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और मैंने अपने चैनल पर पापड़ की और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर लें जिससे कि आप आ सकेंगे मेरे हर लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई डिमांड या क्वायरीज है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।